लड़की को नहीं मिल रहा था न्याय। महाराष्ट्र से हुई बरामद, बदमाशों के हौसले बुलंद। मॉर्निंग वॉक पर निकले रीटर्स दरोगा को मारी गोली। चिनूक हेलीकॉप्टर AIF में शामिल, बड़ी की ताकत। अब खबरें विस्तार से। नाबालिग किशोरी को दबंगों ने आधी रात को घर से उठाकर और लगभग दो दिन के बाद महाराष्ट्र जलगांव से स्टेशन पर मिली। किशोरी के साथ बलात्कार किया गया। जब किशोरी की लड़की को ले जाया जा रहा था तो वह चिल्लाने लगी थी, लेकिन उसी के बाद मुंह दबाकर उसको शांत किया। उसके साथ बलात्कार किया गया। आरोपियों की पहचान की गई है। इसी बीच 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। एक पिता थाने में चक्कर लगा रहा है। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में उत्तराचंद विहार कॉलोनी में बदमाशों ने सोमवार को सुबह मॉर्निंग वॉक करने जा रहे बसपा नेता शब्बर जयदीप 55 को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। बदमाशों ने घर में से महज 100 किलोमीटर दूर पर इस वारदात को अंजाम दिया है। शब्बर जयदीप UP पुलिस में दरोगा रिटायर थे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वह 2007 में लोनी नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव भी लड़ चुके थे। चुनिक हेलीकॉप्टर AIF में शामिल, बढ़ेंगी ताकत। आज भारतीय वायुसेना में चुनिक हेलीकॉप्टर शामिल कर लिया गया है, जिसमें आसमान में देश की ताकत और बढ़ेंगी। इस मौके पर भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोजा भी मौजूद थे। उन्होंने इस राष्ट्रीय धरोहर करार दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसे में जबकि राफेल लड़ाकू विमान भी लड़ाकू विमानों के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। चिनूक भारतीय सुरक्षा के लिहाज में से गेम चेंजर साबित होगा। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।